दोस्तों पंडवानी छत्तीसगढ़ की एकल नाट्य लोकगीत है जिसका अर्थ है पांडवों की वाणी जो महाभारत की कथा पर आधारित होती है। पंडवानी में दो शैलियां होती हैं कपालिक शैली और वेदमती शैली। जहां वेदमती शैली में कलाकार बैठकर पंडवानी गाया करते हैं वहीं कपालिक शैली में कलाकार खड़े होकर पंडवानी गाते हैं। पंडवानी को देश के साथ विदेशों में पहचान दिलाने में छत्तीसगढ़ के पंडवानी लोक कलाकारों का विशेष योगदान रहा है और इनमें से एक है पंडवानी कपालिक शैली की पहली महिला कलाकार तीजन बाई। तो आइए जानते हैं दोस्तों पंडवानी के इस महान लोक कलाकार की पूरी कहानी। तीजन बाई का जन्म 24 अप्रैल 1956 को भिलाई के ग्राम गनियारी में एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हुकुनलाल परघा और मां का नाम सुखवती था। तीजन बाई अपने माता पिता की 5 संतानों में सबसे बड़ी थी। बचपन में वे अपने नाना जी ब्रजलाल को महाभारत की कहानियाँ गाते और सुनाते हुए देखा करती थी। धीरे धीरे उन्हें ये कहानियाँ याद होने लगी। वह छिप छिप कर इसे गाने का अभ्यास किया करती थी लेकिन उस समय समाज में किसी लड़की को पंडवानी का गाना अच्छा नहीं समझा जाता था जिसके कारण उन्हें पारिवारिक विरोध का सामना भी करना पड़ा। महज 12 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। वहाँ भी उनके ससुराल वालों को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई औरत पंडवानी गाए जिसके कारण उन्हें घर और समाज से बाहर कर दिया गया। लेकिन उन्होंने उस छोटी सी उम्र में साहस का परिचय देते हुए अपने पति से अलग होकर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन दुर्ग जिले के चनखुरी गांव में किया था। हालांकि उस दौर में खुले मंच पर लड़कियों के प्रदर्शन के लिहाज से काफी मुश्किल था। लोग उनका मजाक उड़ाते और उन पर तरह तरह की बातें किया करते थे लेकिन तीजन बाई ने इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए अपने पंडवानी गायन को जारी रखा और धीरे धीरे उनके पंडवानी गायन का अंदाज लोगों को पसंद आने लगा। उनकी इस प्रतिभा को प्रसिद्ध रंगकर्मी हबीब तनवीर ने देखा व सुना और उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने अपनी कला का प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन जैसे तमाम बड़े देशों में अपनी पंडवानी की प्रस्तुति दे चुकी है। सन 1988 में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम भारत एक खोज में भी अपनी महत्वपूर्ण प्रस्तुति दी है। तीजन बाई को पंडवानी में अपने योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा 1988 में पद्मश्री, 2003 में पद्म भूषण और 2019 में देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके साथ ही वे कई पुरस्कार और सम्मान अपने नाम कर चुकी हैं। वहीं उनके शिक्षा की बात करें तो लड़कियों पर सामाजिक पाबंदी होने के कारण वे कभी स्कूल नहीं जा पाई लेकिन साक्षरता अभियान के माध्यम से उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई जरूर की है। इसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालयों ने उन्हें डीलिट की उपाधि से भी सम्मानित किया है। उनके व्यक्तिगत जीवन की बातें करें तो उनकी शादी 12 साल की उम्र में हो गई थी लेकिन पंडवानी गाने के विरोध के चलते वह अपने पति से अलग हो गई। इसके बाद उन्होंने 2 बार शादी की लेकिन उनका यह विवाह भी सफल न रहा। बाद में उन्होंने अपनी मंडली के हारमोनियम कलाकार तुक्काराम से प्रेम विवाह किया। दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ के इस महान पंडवानी कलाकार की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।